एक जगह शक्कर के ढेर लगा हुआ है, चीनी के दाने और साथ में कुछ डायमंड्स। चीटियां आते हैं और डायमंड की तरफ देखते भी नहीं है और चीनी को उठा ले जाते हैं क्योंकि उसे चीनी पसंद है। क्या उससे डायमंड की वैल्यू कम हो जाते है? क्या डायमंड को ये सोचना चाहिए वो किसी लायक नहीं है? क्या उससे शक्कर की तरह बनने की कोशिश करना चाहिए? नहीं ना। सिमिलरली आपके साथ भी ऐसा कुछ होता होगा। आपके घर में, ऑफिस में, परिवार में, दोस्तों में, रिलेटिव्स में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको वो रेस्पेक्ट, वो वैल्यूज नहीं देते हैं जो आप डिजर्व करते हो, और आपके जगह में किसी और को चुन लेते हैं। वो सम्मान देते हैं, वो इम्पोर्टेंट देते हैं। इससे क्या आप कहीं से थोड़ी ना कम हो जाते हो? कुछ सीटियां होते हैं जिसको डायमंड्स की वैल्यू कभी पता नहीं होता है। वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा वीडियो लेके आऊँ। आज का जो वीडियो है आप देख पाओगे, इस वीडियो का आज जो है ये कोड है, कोड का इंसर्ट जो है, इसकी जो है हम क्या करेंगे, कूलिंग चैनल बनाएंगे। तो कूलिंग चैनल बनाएंगे, कूलिंग चैनल अब मैं दिखा देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे जो है आप रेक्टेंगुलर टाइप का कूलिंग चैनल देख रहे हो। तो रेक्टेंगुलर कूलिंग टाइप क्या होता है, सर्कुलर कूलिंग क्या होता है, इसमें बफेल कूलिंग लगाते हैं, एंगल होल लगाते हैं, सीरीज कूलिंग होता है, पैरेलल होता है, मल्टी लेवल होता है, ये सारा कूलिंग होता क्या है, बेसिकली कौन सा कूलिंग कहाँ पे कैसे यूज करना है, तो इसके बारे में बताऊंगा। तो सेकेंड ऑब्जेक्ट होगा जिसमें मैं आपको आज बताने वाला हूँ, जैसे हम क्या करते हैं, ये हेड कैसे आता है, और जो आप जैसे बफेल यूज कर रहे हैं, बफेल टाइप का कूलिंग यूज करते हो, तो उस बफेल टाइप का कूलिंग में स्टैंडर्ड कैसे होता है। अगर मिशुमी का मैं स्टैंडर्ड यूज करता हूँ या किसी कंपनी का स्टैंडर्ड यूज करता हूँ, तो ये स्टैंडर्ड कितने का आता है और कहाँ से आपको ये अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड चीज आता है, जैसे मैं यहाँ कूलिंग सर्किट है, उस कूलिंग सर्किट में ये सिंगल कॉम्पोनेंट है, ये कॉम्पोनेंट है, इस कॉम्पोनेंट का मुझे कूलिंग टाइम निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, मुझे ये कोड इंसर्ट है, इस कोड इंसर्ट का मुझे अगर कूलिंग टाइम निकालूंगा उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, ठीक है। एक घंटे में कितना लीटर वाटर इस कूलिंग सर्किट से फ्लो होगा वो कैसे निकालोगे, वो सारा चीजें जो है आज वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे, लास्ट तक देखना है आपको। जो भी चीजें, क्वेश्चंस वगैरह, क्वारीज वगैरह है, आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। जिसको भी क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है, आप नीचे नंबर मेंशन है, सॉलिडॉक्स में भी कराते हो, एनएक्स में भी कराते हो और केटीएम में भी कराते हो, अलग अलग कंटेंट है, नंबर मेंशन है, वहाँ पे जाके आप इंक्वायरी कर सकते हो, हर एक टाइप का आपको डिटेल वगैरह मिल जाएंगे। तो दोस्तों जिसको भी जॉब वैकेंसी वगैरह के अपडेट चाहिए वहाँ पे जाके यूट्यूब में मेरा मेंबरशिप वगैरह ले सकते हैं, वहाँ पे भी जॉब वैकेंसी का ग्रुप होता है, वहाँ पे मैं आपको ऐड कर दूंगा। थ्योरी कैलकुलेशन के लिए भी चाहिए, उसके लिए भी अलग से मेंबरशिप है, क्लासेस के लिए चाहिए वो भी, उसके लिए भी अलग मेंबरशिप चाहिए। अगर आपको फ्री जॉब अपडेट चाहिए तो यहाँ पे जाके आपको वेबसाइट में जाके, करियर में जाके आपको सारा चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे रिसेंट लोग कौन सी लोग प्लेस हुए हैं, कौन सा स्टूडेंट कौन सी कंपनी में प्लेस हुआ है, तो यहाँ पे आपको सारा डिटेल जो है यहाँ से भी मिल जाएंगे। बाकी अगर कुछ की कोर्स रिलेटेड आपकी इंक्वायरी है तो आपको यहाँ पे वेबसाइट में जाके आप देख सकते हो, कुछ चीज़ें पूछना होगा मेरा नंबर मेंशन है, यहाँ पे जाके आप सीधा कॉल कर सकते हो, यहाँ से भी आप जो है कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो, सारा चीज़ें जो है यहाँ पे मिल जाएंगे, नंबर मेंशन है। जिसको भी कोर्स वगैरह ज्वाइन करना है या कोई प्रोजेक्ट वगैरह आपको डेवलप करना है, नंबर मेंशन है, वहाँ पे जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये देखना है मेरा जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट में कहाँ कहाँ मेरा इजेक्टर लोकेशन है, ठीक है। तो आप देख पाओगे इजेक्टर लोकेशन मेरा यहाँ है। सबसे पहले जो है मैं इसको वायर फ्रेम कर दूंगा। तो यहाँ पे जाने के बाद मैं इसको वायर फ्रेम फेल कर दिया। वायर फ्रेम करने के बाद मैं ये देखूंगा कि मेरा जो है मैक्सिमम जो है कितने एमएम में है, आप देख पाओगे कितना हाइट में है जो है कंपोनेंट है, और जो आपका इजेक्टर पिन किस किस साइड में है, ठीक है। तो मेरे को इजेक्टर पिन की जो साइज है, लोकेशन है, मुझे पता लग गया, ठीक है। उसके बाद आपको ये देखना है कि आपका इंसर्ट जो है कोर की है या कैविटी का है, ठीक है। उसके बाद हमको ये देखेंगे कोर इंसर्ट में हम लोग के पास कौन सी टाइप का कूलिंग आती है। तो बेसिकली जो है यहाँ पे हम बहुत टाइप का कूलिंग यूज कर सकते हैं, सीरीज भी कर सकते हैं, पैरेलल भी कर सकते हैं, यहाँ पे सिंगुलर कूलिंग यूज कर सकते हैं, सी टाइप कूलिंग यूज कर सकते हैं, बेफेल कूलिंग यूज कर सकते हैं, तो बहुत सारा चीज़ें हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन इस टाइप का जो सर्किट होता है यहाँ पे बेस्ट जो सूट करता है आपका रेक्टेंगुलर और सीरीज टाइप का आप यूज कर सकते हो। सीधा जो आपको यहाँ से इन करके यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से आप जो है इन आउट कर सकते हो। दूसरा जो है आप रेक्टेंगुलर यूज कर सकते हो या सी टाइप का यूज कर सकते हो। सी टाइप से ज्यादा आपका अच्छा होगा आप रेक्टेंगुलर यूज कर सकते हो, और उस केस में आप बफेल वगैरह भी यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले देखना ये है मेरा जो कूलिंग है मैं किस तरीके से करूंगा। तो मैं यहाँ पे जो कूलिंग है, ठीक है, देखो सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देखेंगे। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा एक्सट्रूड कार्ट में जाके यहाँ पे जो है स्केच ले लूंगा। तो आपको देखना है कि इस इन आउट किस तरफ करोगे, इंसर्ट में है तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, कूलिंग निपल लगाना पड़ेगा, ठीक है। कूलिंग निपल लगाएंगे तो आप इंसर्ट से है तो इस तरफ से मैं इन आउट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है इसको कंट्रोलेट कर देते हैं। कंट्रोलेट करने की बाद तो मैं कूलिंग लगाऊंगा 10 का लगाऊंगा, ठीक है। अब 10 का क्या होता है, हम 8 का कहाँ लगाते हैं, 10 का कहाँ लगाते हैं, क्या कैलकुलेशन होता है, ठीक है। इसी तरीके से चीजें अगर सीखना है ना डिटेल में तो मेरा नंबर मेंशन है, वहां पे जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, इसी तरीके से मैं डिटेल में कराता हूँ। अब देखो यहाँ से जो एज है ना, जो कंपोनेंट की एज है, यहाँ से मतलब जहां से कंपोनेंट खत्म हो रहा है
या यहाँ इस एरिया में मेरा पिन है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस होता है? मिनिमम जो है 6 से 8 mm होना चाहिए, लेकिन मेरा जो है यहाँ पे टेपर में है, मतलब एंगल पे है, तो यहाँ से मैं कम रख रहा हूँ, मतलब 10 का रख रहा हूँ, मतलब 5 mm का हो गया, लेकिन मैं इस साइड से भी इसकी डिस्टेंस दूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे भी इस पॉइंट से भी मैं इसका डिस्टेंस दूंगा, तो ये मैं थोड़ा ज़्यादा कर दूंगा। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? इसको जो है 8 mm है, तो इसको मैं ज़्यादा कर दूंगा, बेसिकली यहाँ पे मेरा क्या टेपर में है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 12 mm का कर दूँ, 12 mm मतलब 6 mm हो गया, और प्लस टेपर में तो लगभग ये 8 mm के आसपास हो रहा है। तो जहाँ पे आपके कंपोनेंट खत्म हो रहा है या कहीं पे अगर पिन है, वहां से मिनिमम एज टू एज 6 से 8 mm आपको रखना है, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैक्सिमम में आप बहुत रख सकते हो। अगर आपको इसको डायरेक्ट कूलिंग करना होता है तो हम यहाँ पे एक कूलिंग देके यहाँ पे एक कूलिंग दे सकते हो, कि इस एरिया में अपना स्पेस है, लेकिन मैं क्या करूंगा, जो मेरा वाटर है, इस मेरा जो सर्किट बनाऊंगा उस सर्किट में मैं ज्यादा टाइम के लिए फ्लो करूंगा, ठीक है, तो इसीलिए मैं जो है थोड़ा अलग तरीके से करूंगा तो यहाँ पे। और दोस्तों ध्यान ये रखना है कि यहाँ से ये जो कूलिंग है, जहाँ से आपको कूलिंग सैनल खत्म हो रहा है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है एटलीस्ट कितना होना चाहिए, मिनिमम जो है 15 mm होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे अराउंड 15 mm है, क्योंकि यहाँ पे आपका आ जाएंगे 14.79 का आ जाएंगे, तो अराउंड 15 mm का है तो ठीक है, ठीक है। और कोशिश ये करना है, यहाँ से राउंड वैल्यू ना करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से अगर राउंड वैल्यू नहीं करते हो ना आप, तो कोई दिक्कत नहीं, पीछे से राउंड वैल्यू कर देना, क्योंकि कभी कभी डाउन मशीनिंग होता है ना, तो इसके जो मेजरमेंट होता है ना नीचे से होता है, ठीक है, तो नीचे से जो होता है, तो इसके लिए आप नीचे से भी करोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो, ठीक है। अब डाउन मशीनिंग क्या होता है, किसी को नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं इसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मोल मेंटेनेंस के बारे में जो क्लास लेता हूँ तब उसमें बताता हूँ, मोल मेंटेनेंस क्या होता है, कितना टाइप का आप इंसर्ट लगा सकते हो, क्या क्या फर्क होता है। देखो यहाँ पे मैं 8 mm का लूंगा तो कोई दिक्कत है, 8 mm लूंगा तो क्या होगा, ये 3 mm मेरे 5 mm सही है नहीं है, आपको कितना रहना पड़ेगा, मिनिमम कितना रहना पड़ेगा आपको, मिनिमम जो लोगे आप यहाँ पे 6 mm चाहिए पर साइड, 6 mm चाहिए हमको, 6 + 5 तो आप 11 mm का लोगे, 11 mm में आपका क्या आ रहा है, ठीक है, नहीं और लेंगे हम इसमें, इसमें 12 mm लूंगा मैं अराउंड, जो है इसको सेंटर पे रखूंगा, 12 मतलब मेरा ये क्या हो गया, कितना हो गया, 6 mm हो गया, 7 mm हो गया, और इधर 5 mm हो गया, मतलब 7 mm पर साइड मेरा एज है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इस वाली जो एज है इस एज से भी देखना है तो इस एज से भी आप देख सकते हो, ठीक है, 15 समथिंग है, तो यहाँ पे जो है मैं इसको और ले सकता हूँ, मतलब 13.5 तक ले सकता हूँ मैं सेंटर के लिए, ठीक है, यहाँ पे सेंटर के लिए 13.5 ले लिया मैंने। अब सेम चीज है, सेम ऑब्जेक्ट है, इसको जो अगर मैं यहाँ से इसका डायमेंशनिंग करूंगा ना, तो ये जो भी इसको भी मैं 20 का कर दूंगा, ठीक है, तो थोड़ा मैं अलग तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखना लास्ट में मैं और कुछ चीज ऐड करूंगा, कूलिंग जब आपको रेक्टेंगुलर कूलिंग नहीं, इसमें लास्ट में मैं बेफेल भी ऐड कर दूंगा, बेफेल की क्या स्टैंडर्ड होता है, जो मार्केट से आप परचेस करते हो तो उसका क्या स्टैंडर्ड मिलते हैं, सो सारा चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपको स्टैंडर्ड यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करोगे, वो भी आपको लास्ट में वीडियो में पता लग जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, कुछ चीज़ें मिस मत करना, ठीक है। तो इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं इसको मिरर कर देता हूँ, ठीक है। अब तो ये मेरा देखो इसमें गैप जो है बहुत ज़्यादा हो गया है ना, अगर मैं ये कूलिंग इन करके यहाँ पे आउट कर देता, तो कूलिंग मतलब कम टाइम में कम एरिया फ्लो होगा, तो क्या होगा ना, कूलिंग जो टेम्परेचर होगा इनलेट आउटलेट टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं होगा, और जो कूलिंग जो वाटर रहेगा सर्किट में वो क्या होगा, बहुत कम टाइम के लिए रहेंगे, तो मैं वो नहीं चाहता कि मेरा जो वाटर है वो सर्किट में थोड़ा लंबा टाइम के लिए हो, तो प्रॉपर यूटिलाइज कर पाऊँ मैं कूलिंग जो वाटर मेरा फ्लो होगा, जो भी फ्लो होगा है ना, तो उसका मैं मैक्सिमम टाइम ले पाऊँ, ठीक है। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है दिमाग में, मैं उसके हिसाब से बना रहा हूँ, तो लास्ट में देखना मैं कहाँ पे क्या चीज़ें सेंस कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको ये देखना है एक प्लेट और दूसरे प्लेट के डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ठीक है, ये लगभग जो है 250 mm तक ड्रिल हो जाता है, ठीक है, तो 250 mm का ड्रिल होता है तो एक साइड से ड्रिल नहीं हो पाएगा, मतलब बोथ साइड से आपको ड्रिल चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम बोथ साइड से ड्रिल, यहाँ से भी ड्रिल करना पड़ेगा, उधर से भी ड्रिल करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक बार में अगर 10 का तूल आप 250 से ऊपर जाओगे ना तो इतना खत्म नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे अराउंड 350 का है, तो 350 का जो है अराउंड इसमें नहीं हो पाएगा, ठीक है, एक बार में ड्रिल, तो हम जो इसको दो साइड से करेंगे, इधर से भी करना पड़ेगा उधर से भी करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी ड्रिल वगैरह मारोगे ये चीज़ें ध्यान रखना है कि कितना एमएम का प्लेट है, एक बार में थ्रू आउट हो सकता है नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो 250 mm में यहाँ तक हो रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ तक रख दो आप, इधर से अलग से ऑपरेशन करोगे अलग से टाइम लगेंगे, तो उसके लिए बेस्ट है ये तरीका, ठीक है। तो यहाँ से भी हम कंट्रोलेट कर देते हैं, तो देख लेना कि 250 mm यहाँ तक हो रहा है, तो यहाँ पे जो है आपको रिटर्न जो ड्रिल है वो लगा देना, इसको भी हम 10 mm कर देते हैं। 10 mm के बाद ये और इसका जो डिस्टेंस होगा इसको हम 5 mm कर देंगे,
है। अब इसके बाद ये जो एज है, इस एज से इस एज तक मिनिमम जो है, मैंने 6 mm बताया था, 6 से 8 mm मिनिमम रखना है आपको, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको 6 से 8 mm जो है इसको हम भी कम कर लेंगे, ठीक है। इसको जो है हम यहाँ से 5 mm जो है यहाँ पे ओके कर देंगे, ठीक है। 5 mm में क्या होगा, सेंटर टू सेंटर यहाँ पे जो है मैच हो जाएंगे। उसके बाद जो है आपको ये देखना है इस जो एज है, इस एज से इस एज का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो आपको ये देखना है, मैं इस एज से मैं इस एज का डिस्टेंस कितना है वो मैं कंसिडर करूंगा। देखो यहाँ से मैंने, जैसे मेरा यहाँ वहां पे इन आउट है तो यहाँ से मेरा आउट है, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर एक बार में आउट करता हूँ ना, एक बार में करता हूँ, तो बीच में क्या लगाना पड़ेगा बताए, बीच में आपको डिवाइडर लगाना पड़ेगा। डिवाइडर का काम क्या करेंगे, मतलब डिवाइडर जो है क्या काम करेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डिवाइडर मेरा क्या काम करेंगे, एक बार मैं आपको पहले इसको बनाकर आपको मैं समझा देता हूँ डिवाइडर मेरा क्या काम करेंगे। यहाँ पे ठीक है, इनके बीच में 14 mm है, काफी है, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, है ना। वो इतना मुझे नहीं पता है कि कितना मुझे 14 में रखना है, 13 में रखना है, मुझे इससे मतलब नहीं है। तो मुझको इसको यहाँ पे इसको एग्जिट कर देता हूँ। एग्जिट करने के बाद इसको मैं कट करूंगा, अब थ्रू कट करूंगा, बीच में मुझे डिवाइडर ठूकना पड़ेगा। तो बीच में मैं डिवाइडर क्यों ठूकूंगा, सबसे पहला बात यह, ये प्लेट जो है बहुत लंबा है, ठीक है ना। अगर इसको आप ऐसे देखोगे ना, ये प्लेट जो है बहुत लंबा है, इतना आप ड्रिल नहीं कर पाओगे एक बार में, तो इसको दो बार में ड्रिल करना पड़ेगा। दो बार में ड्रिल भी करूंगा ना, तो मैं मान लो 250 mm का ड्रिल कर दे रहा हूँ, 250 mm में ड्रिल हो जा रहा है ना मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करूँगा, इसको इतना तक ले आऊँगा, बस 210 तक ले आऊँगा मैं, ठीक है, 210 कट। अब इसको मैं मिरर कर दूंगा, ठीक है, इसको मैं मिरर कर दूंगा यहाँ पे। तो ये मेरा कट हो गया इधर से, क्योंकि एक बार मैं तो काट नहीं कर पाऊंगा ना, मैं उधर से भी करना पड़ेगा, उधर से भी करना पड़ेगा। कौन सी कूलिंग है, ये मेरा रेक्टेंगुलर कूलिंग है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर कूलिंग में मेरे को इस तरह से कूलिंग करना पड़ेगा, राइट। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, इस जो कंपोनेंट है यहाँ पे, इसको मिरर कर दूंगा मैं। तो मिरर होगा मेरा, जो प्लान है ये वाला प्लान लूंगा मैं, और जो मेरा एक्सट्रूड कार्ड है इसको मैं मिरर कर दूंगा इधर में। फिशर्स ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, बॉडी नहीं ले रहा, ठीक है, ध्यान रखना कौन सी फिशर्स कहाँ लेना है और बॉडी कहाँ लेना है, वो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा काम हो गया, क्योंकि एक बार में नहीं हो पाएगा, एक बार में पॉसिबल नहीं है भाई कि आप कैसे कर सकते हो एक बार में। तो यहाँ पे चैम्पर वगैरह यूज करना है, तो मैं चैम्पर यूज तो बहुत ज्यादा करता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पता लग जाता है कि कहाँ से एंट्री है कहाँ से एग्जिट है। तो ये आपको ये भी कर सकते हो आप भी, ठीक है। 5 का मैं चैम्पर लगा दिया यहाँ पे, तो ये हो गया। इधर से मैं ड्रिल करूंगा और उस टाइप से ड्रिल करूंगा, तो दोनों का अलग अलग टाइप का मेरा यहाँ पे खत्म हो गया काम। अब आते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब जो ये एरिया है यहाँ पे, इसको एंट्री एग्जिट कैसे करूंगा मैं, अब मेरा कहानी आते है उसमें। अब मैं एंट्री किधर से करूंगा, इधर से एंट्री करूंगा कि इधर से एग्जिट करूंगा। देखो मैक्सिमम जो एरिया हीटिंग में रहता है ना, कौन सा वाला एरिया हीटिंग रहता है ना, सेंटर से ज्यादा हीट रहता है, क्योंकि सेंटर से मेटल फ्लो होती है। तो मैं इनलेट जो करूंगा ना, वाटर का जो इनलेट करूंगा मैं इधर से करूंगा, राइट। अब इधर से करूंगा मैं तो ड्रिल नहीं मार सकता हूँ, इधर से ड्रिल मारूंगा तो फिर यहाँ पे मेरे को एक डिवाइडर थोकना पड़ेगा, यहाँ पे एक डिवाइडर लगाना पड़ेगा फिर तो मुझे, है ना। तो मैं जो इस केस में मेंटेनेंस कम के हिसाब से मैं इस तरफ से मारूंगा, बट अगर आपको जगह है ना तो आप इस साइड से मार सकते हो, ठीक है। तो मैं जो है इस केस में मारूंगा, आप मेरी बात समझ में आ रहा है ना। डिवाइडर क्या है, क्या करेगा, फ्लो को रोक देगा, वहां पे जाने नहीं देंगे आपकी फ्लो को, ठीक है। अब उसके बाद जो है मैं कूलिंग चेंज कर दूंगा, अभी ये पहले बना लेता हूँ। अब मतलब पता है कि आपको ऐसे जरूरत नहीं है कि कूलिंग क्या करना है, कूलिंग ऐसा होना चाहिए कि आपका प्रॉपर हो पाए, हर एक चीज प्रॉपर हो। तो ये आपको पता करना है कि मेरा जो है प्रॉपर है या नहीं है, प्रॉपर कूलिंग होगा कि नहीं है, सर्किट मेरा कितना टाइम का रहेगा, ठीक है। मैं लास्ट में आपको कैलकुलेशन बताऊंगा, अब लास्ट में मैं क्या कैलकुलेशन बताऊंगा आपको, लास्ट में हम जो कूलिंग यूज करूंगा मैं, जो भी मैं 5 mm मैंने कर दिया, जो भी मैं कूलिंग यूज करूंगा ना, उस कूलिंग की कैलकुलेशन क्या होगा, मतलब कूलिंग की कैलकुलेशन बोले तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, राइट। तो कूलिंग की कंफ्यूजन मतलब आपकी जो समझने वाली बात यह है, जो भी हम कूलिंग करेंगे एक घंटे में कितना वाटर, मतलब कितना वाटर फ्लो होना चाहिए सर्किट में, एक घंटे में सर्किट में आपका मिनिमम कितना लीटर वाटर फ्लो होना चाहिए, इसका जो है हम आपको फॉर्मूला बताऊंगा मैं। कूलिंग टाइम कैसे निकालोगे, कोई भी एक सर्किट का जो है इसके कूलिंग टाइम कैसे निकालोगे, तो ये इसके बारे में बात करेंगे। बफेल कूलिंग हम यूज करते हैं ना, तो बफेल कूलिंग जो हम यूज करते हैं, उस बफेल कूलिंग की क्या स्टैंडर्ड होता है, मतलब स्टैंडर्ड क्या होता है, ऐसे बात करूंगा आपको समझ में नहीं आएंगे, राइट। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है इधर से नहीं लूंगा, इसको मैं यहाँ तक ले आऊंगा, यहाँ तक लगभग इसको मैं 160 mm तक ले आता हूँ, ठीक है, आर पार नहीं लाऊंगा, ठीक है, 160 mm। तो बफिल कूलिंग जो आप लगाते हो, बफिल कितने का आती है, कहाँ से मिल जाएगा, क्या स्टैंडर्ड होता है, वो सारा चीजें इसमें आएंगे आपका, ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे इसको जो है हम अगेन मिरर कर देंगे। मिरर करने के लिए मैं यहाँ पे जो प्लान होगा मेरा, कौन सी वाले प्लान होगा, ये वाला प्लान लूंगा, और जो एक्सपोर्ट कार्ड होगा
यहाँ पे मैं इसको रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे देखो थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली बात यह है, जो मेरा कूलिंग है यहाँ पे, कूलिंग की मेरा जो सर्किट है, सर्किट बना रहा हूं मैं। ठीक है, अगर आपको लाइब्रेरी से बनाना है तो लाइब्रेरी में एक बार में बना सकते हो, आपको इतना हेडेक नहीं लेना है, एक बार में बना सकते हो, बस कमांड दबाओ और आप सर्किट बनाओ। ठीक है, इतना हेडेक ही नहीं है कि आपको अलग अलग इसको हाइट देना होता है। ठीक है, कौन सी हाइट में कितना हाइट में रखना है उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। अब यहाँ पे देखो मेरा कूलिंग कैसे होगा, मेरा कूलिंग इन होगा, ऐसे फ्लो होंगे, ऐसे फ्लो होने के बाद यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे इनलेट देना है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ इनलेट होगा, ऐसे घूमेंगे सर्किट में, घूमने के बाद लाइक इस तरीके से कूलिंग निकल के आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके एक्सट्रूड कर लेंगे, क्लियर, कंट्रोल एक कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम जो है 10 mm का कर देंगे, 10 mm के करने के बाद यहाँ पे इसका इसका जो डिस्टेंस होगा 5 mm का कर दूंगा मैं। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से जो इसकी कूलिंग है, यहाँ से इसका जो कूलिंग है तो 12 mm है अराउंड, जो है 12 mm पहले ही कूलिंग जो है बिस्के है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 mm का आसपास है, तो कोई यहाँ पे इश्यू वाली बात कुछ है नहीं, वो तो इस बार तो होगा नहीं, बस सिंपल सा ड्रिल है, बस यहाँ तक इसको ले जाना है। ठीक है, अगेन अगर इसको मिरर मारना है साथ में, एक साथ करना है तो साथ में मिरर करके इसको हम कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कूलिंग जो क्लास है, समझ लो लास्ट तक देखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जाके इसको हम यहाँ पे इसको मिरर कर देते हैं, मिरर कर दिए। अब देखो इसको यहाँ पे जाके कूलिंग बना देना है, इसकी कूलिंग जो बनानी है, अब बात समझने की कोशिश करना। ठीक है, कूलिंग जो आपको बनाना है यहाँ पे कितना आगे करना है, ये इतना आगे नहीं करना है, ये बस यहाँ तक चले जाइए। तो हम जो इसको 30 mm तक मैं कर देता हूँ, 30 mm में यहाँ पे टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 30 mm में मैं खत्म कर सकता हूँ, थोड़ा सा मैं आगे निकाल दूंगा, 40 mm के आसपास कर दूंगा इसको, यहाँ पे फिर इसको कट लगा दूंगा। अब यहाँ पे हाईलाइट करने वाली ये बात यह है, आपका इनलेट कौन सी है और एग्जिट कौन सी है। ठीक है, यहाँ पे इनलेट मेरा कौन सा है और मेरा एग्जिट कौन सा है, तो मेरा इनलेट जो है ये है। ठीक है, मेरा इनलेट यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे 5 mm का, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रिल देखो, चैम्पर करते हो तो ये पता लग जाता है, जो ड्रिल मारते हो ना, तो यहाँ पे इन कहाँ से है, आउट कहाँ से। ये जो मेरा एक्सट्रूड काट है इसको मैं हल्का सा बना दूंगा, ये भी बना हुआ कोई दिक्कत नहीं, जब ये ड्रिल करेगा, जब ये हाथ कूलिंग तक ये पहुंच जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक जो आपका जो ऑपरेटर होगा वो रोक देगा, क्योंकि उसको पता लग जाता है कि यहाँ पे हम कहीं पे सिग्नल ठोक दिया इसको, यहाँ पे पता लग जाता है। तो ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है, यहाँ पे हम 45 कर दो। ठीक है, यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, अभी इनलेट आउटलेट का जो डायमीटर होता है वो कैसे डिसाइड करते हो, जो इनलेट आउटलेट डायमीटर होता है इसको आप डिसाइड कैसे करते हो, ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब इसको हम जो है यहाँ से हटा देते हैं। अब मेरा ये इन है, अब मेरा कौन सा इन है, ये मेरा इन है, राइट, ये मेरा इन है, ये मेरा इन है, तो यहाँ से इन होगा, यहाँ से इन होगा। इन जो होगा इसकी जो हम कैश लेता हूँ, मैं कैश लेके समझा देता हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन समझने को बहुत कुछ चीज़ें है इसमें। ठीक है, मैं यहाँ से जो कि इसके सेंटर में लाके, ये जो इन है इसको हम रखेंगे 11.8 का। ठीक है, 11.8 का रख रहा हूँ मैं, क्लियर, 11.8 ही क्यों रख रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन दिमाग में नहीं आ रहा है आपको। यहाँ पे क्या करना है, इसमें मेरे को कूलिंग निपल लगाना है, कूलिंग निपल लगाऊंगा ना मैं, तो इसमें मेरे कूलिंग निपल लगाने में क्या होगा आपका बताइए, टेफलॉन का टेप लगाना पड़ता है, थ्रेड रहता है, तो क्या करना पड़ेगा, इसलिए मैं 11.8 का रख रहा हूँ, मतलब 0.2 का जो है मैं टेपिंग के लिए रख दूंगा। बेसिकली हम 11.9 का रखते हैं, यहाँ पे मैं 11.8 रख रहा हूँ। ठीक है, और दूसरी चीज़ें जो है यहाँ पे, जो ये जितना बाकी का जितना भी होगा ना, इसमें हम लगाएंगे 12 का, मतलब 12 का इन द सेंस ये आपका क्या होगा, स्टॉपर का काम करेगा, राइट, ये स्टॉपर का काम, ये भी इसमें भी कूलिंग आएंगे, लेकिन यहाँ पे कूलिंग जो होगा क्या होगा आपका, कूलिंग रिपल वाला आएंगे, तो इसमें भी आप क्या करोगे, 11.8 का लगाओगे। देखो मैं एक एक करके इसलिए कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, जो स्टैंडर्ड है उसी हिसाब से आपको सीखना है। ठीक है, स्टैंडर्ड के हिसाब से हम बनाएंगे, तो यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड के हिसाब से बना दिया। अब उसके बाद जो ये है इसको मैं 12 कर दूंगा, यहाँ पे जो मैं इसकी होल बनाऊंगा इसको मैं 12 कर दूंगा। यहाँ पे स्टॉपर का काम करेगा, स्टॉपर में कोई आपको वो नहीं करना है, स्टॉपर में कोई आपको वो नहीं करना है, सीधा यहाँ पे उतना रखना है। अब इतने कितने अंदर के जाता है, 12 का, 10 का, 15 का आप लगा सकते हो, 12, 10, 15 के हिसाब से आप बना सकते हो इसको। तो हम जो इसको कितना बनाएंगे, क्या बनाएंगे, तो यहाँ पे हम इसको सीधा एक्सट्रूड करेंगे, कट करेंगे, या 12 mm का कर देंगे या 15 mm का कर दो। ठीक है, एक्सट्रूड कट हो गया।
ठीक है, तो इधर से आपको ये समझ में आ गया कि मेरा इन कौन सा है, मेरा आउट कौन सा है। अगर आपको हाईलाइटेड करना है, कलर अगर हाईलाइटेड करना है, ठीक है, तो हमें हाईलाइट करना है तो यहाँ पे जाके इसके कलर को हाईलाइट कर सकते हो। कैसे करना है, जैसे इन है तो इसको ग्रीन कलर में हाईलाइटेड कर दो, ठीक है। और जो रेड है, मतलब जहां से एग्जिट होंगे ना, जहां से एग्जिट हो रहा है आपका, ठीक है, इसको जो है हम रेड कलर में हाईलाइट कर देंगे। ये भी एक एक तरीके से कलर आइडेंटिफिकेशन है, इस तरीके से भी आपको आप समझा सकते हो किस तरीके से करना है, कहाँ पे क्या कर सकते हो। और जैसे यहाँ पे है, फिर अगेन जो है इसको हम जो है एक्सट्रूड काट करके यहाँ पे भी हम इसको कितने में कर देंगे, तो मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ना आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये प्रैक्टिकली मिलेंगे, ठीक है, उस चीज़ें प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। और जो कैलकुलेशन वगैरह है आपको एडवांस लेवल में सीखना है ना, तो उसके लिए आप जो है क्लास ज्वाइन कर सकते हो। इसी तरीके से मैं क्लास वगैरह करते रहता हूँ और बहुत कुछ चीज़ें डिटेल में कराता हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह से कराता हूँ। कूलिंग टाइम निकालना, कूलिंग टाइम अगर आपको सर्किट की निकालना है तो उसके कैसे निकालोगे, कूलिंग टाइम अगर पार्ट का निकालना है तो उसकी क्या फॉर्मूला होता है, क्योंकि मैं मोल फ्लो वगैरह भी करते रहता हूँ, तो मोल फ्लो वगैरह में बहुत कुछ चीज़ें आपको पता लग जाता है, ठीक है। पार्ट का कूलिंग, पार्ट को कितने में कूलिंग होगा, और जो प्लेट होगा उसको कितने में कूलिंग करोगे, दोनों का कूलिंग होता है, तो दोनों का कूलिंग हम करवाते हैं कैलकुलेशन से, ठीक है। उसका भी अगर सीखना है तो आप जो है नंबर मेंशन है वहाँ पे जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, इसी तरीके से क्लासेस वगैरह में देते रहता हो, ठीक है। तो यहाँ पे राइट प्लेन लेंगे, लेने के बाद इसको जो है उधर भी हम मिरर कर देंगे, और बाकी जितना भी यहाँ पे उस साइड का है सभी में हम बराबर का लगा देंगे, ठीक है। मतलब आपका बाकी इधर भी जो है इसको भी हम 12 का लगा के इसमें स्टॉपर लगाएंगे, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, पहले मैं इसको करा देता हूँ, उसके बाद जो है हम इसके बाफिल कूलिंग में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ जो है यहाँ पे हम पे इसको भी हम जो है सेंटर निकालने के लिए थोड़ा सा पहले दिक्कत आती है, एक बार आप इससे से ऊपर ऊपर से घुमा देते हो तो उसके बाद जो है आपका काम बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे सेंटर लाइन ले लेना है और इसको जो है मिरर कर देना है, इससे अच्छा मैं बना भी लेता, वैसे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ हो गया यहाँ पे काम, अब इसको जाके कितना एमएम करना है, 12 एमएम करना है, 15 एमएम करना है, वो आपकी मर्जी, आप जितना एमएम रखना चाहते हो आप रख सकते हो। तो ये जो कूलिंग हो गया इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कूलिंग, कौन सा कूलिंग, रेक्टेंगुलर कूलिंग बोलते हैं, ठीक है। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, बाकी जितना भी 12 का है स्टॉपर है, और जो 11.8 है मतलब 11.9 का यूज कर सकते हो, वो कौन सी हो गया, मेरा इनलेट हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको वायर फ्रेम में कर देता हूँ तो वायर फ्रेम करने के बाद आपको ये पता लग जाएगा मेरा जो कूलिंग है किस तरीके से है, ठीक है। यहाँ से मेरा इन होगा, इन हुआ, वाटर ऐसे सर्कुलर होंगे, होने के बाद जो है यहाँ से एक गियर होगी निकल जाएगी, इसको बोलेंगे हम रेक्टेंगुलर कूलिंग। रेक्टेंगुलर कूलिंग के बारे में आपने समझ गया कैसे रेक्टेंगुलर कूलिंग वगैरह बनाते हैं। अगर आपकी कूलिंग ये है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे कूलिंग जो है इतना एरिया में कूलिंग हो, तो इस केस में मेरे को यहाँ से एक बाफिल लगाना पड़ेगा। अब बाफिल होता क्या है, अब बाफिल कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। बाफिल का स्टैंडर्ड होता है, जो हम मार्केट में बाफिल यूज करते हैं अलग अलग साइज का अलग अलग स्टैंडर्ड होता है। अब बाफिल सबसे पहले हम आपका दिखा रहे थे, बाफिल होता क्या है, रेक्टेंगुलर कूलिंग समझ गया, सीधा सीधा ड्रिल मारना होता है और ड्रिल देखने लेना है आपको कितना है, 10 का ड्रिल कितना तक कर सकते हो, 250 mm तक आप कर सकते हो, ठीक है। 250 mm से ऊपर जाओगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, दो साइड से करना पड़ेगा, तो दो साइड से आपको जब भी आपकी कूलिंग कन्वेंशनल ड्रॉइंग दोगे ना, तो उसमें आपको डिटेलिंग दिखाना पड़ेगा बोथ साइड से। ये इसीलिए मैंने आपको पहले चीजें ही मेंशन कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो अब मुझे बफेल लगाना है, बफेल मैं कहाँ पे लगाऊंगा, देखो मेरा जो ये एरिया है ना, ये पूरा एरिया है यहाँ पे जो है कूलिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो ये पास है तो इतना एरिया ये कूलिंग कवर कर लेगा, लेकिन यहाँ से अगर मैं एक बफेल लगाऊंगा ना तो बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत बढ़िया है। तो यहाँ से मेरे को एक बफेल लगाना है, लेकिन बफेल होता क्या, एक्चुअल में आपको ये देखना है मैं जो बफेल लगाता हूँ बफेल मतलब कहाँ से मिल जाएंगे। जो हम बफेल लगाएंगे तो मैं यहाँ से लाइब्रेरी से बफेल यूज कर सकता हूँ, तो मैं सिंपली जाऊंगा इधर में जाने के बाद मैं कौन सा टाइप का बफेल लूंगा, ठीक है। तो हम बेसिकली स्ट्रेट बफेल यूज करेंगे, ठीक है। और ये आपका स्पाइरल टाइप का भी बफेल होता है, थोड़ा मेंटेनेंस होता है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा। मैं बफेल जो यूज करूंगा 16 का आता है, 16 का आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखोगे डी जो है, मैं यहाँ पे जाऊंगा डी, मतलब आपका 16 का आ गया, 16 का आ गया, ठीक है। मैं डी लूंगा 16 का, और जो मेरा बाकी का बनेगा, बाकी का इन द सेंस मेरा जो ये बनता है, ये मेरा 16 का बनता है, 16 का भी है 12 का भी है, देखो 16 का भी है 12 का भी है। तो मेरे को यहाँ पे जो बफेल है, देख लिया आपने, अगर कैटलॉग देखना है मैं आपको कैटलॉग दिखा देता हूँ। आपको कैटलॉग में आपको देखो ये सीखना है ना, इसके अंदर सीखना है, कुछ फालतू का ये लोकल नहीं सीखना है, बना दिया सीख लिया, उसमें कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जो भी चीज़ें करा रहा हूँ मैं स्टैंडर्ड करा रहा हूँ, ठीक है। कैसे ऑर्डर करना है पिन ये बता दूंगा मैं। तो यहाँ से इसको मुझे पता लग गया कि 12 और 16 का मुझे मारना है, 12 का नहीं, मैं 16 का और 16 का मारूंगा, ठीक है। हेड 16 का आता है
और जो आपकी किलिया का आता है कितने का आता है 14। यहाँ पे जाके स्केच ले लूंगा, कंट्रोल में यहाँ से एक कर दूंगा, मतलब कंट्रोल टू द प्लान कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे जो मैं करूंगा सेंटर से ही, मेरे को सेंटर से मैं जो है यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे मैं 10 mm कर दूंगा। 10 करूंगा कितने करूंगा, 14 का करूंगा ना, ठीक है। तो 14 का करने के बाद यहाँ से इसकी सेंटर और आपका उसका सेंटर दोनों का बीच में कितना डिफरेंस हो जाएगा, ये और आपका ये, ठीक है। कितने का हो जाएगा आपका 5 का, कितने का, ऑब्वियसली यार 5 का ही होगा, क्योंकि क्यों 5 का होगा, क्योंकि ये आपका 14 का है, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे इसको जो है 5 mm कर देंगे, ठीक है। तो 5 mm जो है यहाँ पे 5 mm हो गया है, ठीक है, 5 mm हो गया है। अब उसके बाद जो है इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है। अब देखो इसको कूलिंग ऐड कर दे रहा, मतलब एक सर्किट में मैं 2 टाइप का कूलिंग कर रहा हूँ, उसमें मेरे को क्या फायदा होंगे, इसमें फायदा बहुत है, इसमें आपकी कूलिंग की जो इफिशियंसी है ना वो बढ़ जाएगा आपका। तो यहाँ पे इतना करना है, यहाँ से एटलीस्ट जो है 15 mm की गैप रह जाए, तो मैं इसको 90 mm तक, ठीक है। तो 90 mm का मैं यहाँ पे काट कर रहा हूँ, क्लियर कर दिया काट। ये तो बेसिकली ये क्या है, ये तो एक तरीके से ड्रिल ही है ना, ये तो एक तरीके से ड्रिल ही है, तो मैं ड्रिल ही कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ड्रिल करूंगा तो फिर इसको मैं क्या करूंगा, इधर से मैं इसको मिरर कर दूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ों को बेहतर समझ पाऊँ, कहीं पे कुछ चीज़ अगर आपको डाउट आए तो आप पूछ लेना मेरे को, मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। जिसको भी क्लास लेना है कैलकुलेशन के साथ डिटेल के साथ, नंबर मेंशन दे, आप नंबर मेंशन दे वहाँ पे जाके कांटेक्ट कर सकते हो। और जिसको भी मेंबरशिप लेना है, मेंबरशिप से भी क्लास होती है, मेंबरशिप से भी थ्योरी कैलकुलेशन मिल जाती है, मेंबरशिप में भी आपको सारा चीज़ें मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन मेंबरशिप के क्या होता है, महीने महीने का होता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो 5 mm है इसको मैं 7 mm कर दूंगा, ठीक है, 7 mm कर दूंगा, जो 14 का हमने मारा है। अब इसका जो हेड बनेगा, जो इसकी हेड बनता है ना, कितने का बनता है, 16 का बनता है, ठीक है। तो हेड जो है हम कितने का मारेंगे, 16 का मारेंगे। तो यहाँ पे जो है हम जिसकी हेड बनाएंगे एक्सट्रूड कट में जाके, इसको हम 16 का बनाएंगे। तो देखो जो मैं बफेल लगा रहा हूँ ना, प्रैक्टिकल है बफेल है, ठीक है। ये बफेल चल रहा है और मैं आपको स्टैंडर्ड से दिखाया हूँ, ठीक है। कोई ऐसा नहीं जबरदस्ती वाला चीज नहीं है, जो भी चीजें हम करते हैं स्टैंडर्ड करते हैं, जो भी चीजें आपको सिखाऊंगा सारा स्टैंडर्ड सिखाऊंगा। कल किसी भी कंपनी में जाओगे, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे इसको जो 90 mm है इसको मैं 12 mm कर देता हूँ। कल किसी भी कंपनी में जाओगे तो आपको हर एक काम आना चाहिए, स्टैंडर्ड में काम करना आना चाहिए। जो मैं ऑटोमोबाइल का बम्पर कंसोल वगैरह मोल्ड कराता हूँ, कंप्लीट पैकेज है, कंप्लीट पैकेज इन द सेंस सारा चीजें ऑलरेडी बना हुआ है, पहले से बना हुआ है, बना के रखा हूँ मैं। तो एक एक चीजें मैं आपको स्टैंडर्ड में कराऊंगा, पूरा बम्पर कराऊंगा, पूरा कंसोल कराऊंगा। जो भी सीखना है मुझे, बम्पर सीखना है पूरा बम्पर करा दूंगा, कंसोल करना है कंसोल करा दूंगा। क्लास चल रहा है अभी 3 लड़के रजिस्टर भी हो गया है, जो ऑटोमोबाइल मोल्ड कर रहा है कंप्लीट मोल्ड बनाएगा। और जो ये आपको मोल्ड करा हो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर प्रैक्टिकल मोल्ड है, जो मेरा प्रोजेक्ट है, तो वैसे ही मोल्ड कराता हूँ मैं, ठीक है। तो आप देख पाओगे यहाँ पे ये क्या हो गया, मेरा वाफिल कूलिंग भी हो गया। अब देखो ये मेरा कूलिंग की इफिशियंसी कितना बढ़ गया मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, यहाँ पे मेरा पिन है तो इसी में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसी तरीके से एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ, इसी तरीके से आप जो है चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हो। अब जैसे ये वाफिल कूलिंग है, इसको आप अलग हाईलाइट कर सकते हो, वैसे देख लेंगे जो भी यहाँ पे रीलिंग करेंगे, जब आप कॉन्वेंशनल ड्राइंग दोगे तो उसमें सारा चीज़ें आपका जो है हो ही जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, मैंने कोशिश करा कि सारा चीज़ें समझाओ, ठीक है। इस तरीके से आपको सारा चीज़ें करना पड़ता है, जो भी चीज़ें करोगे कैलकुलेशन से करना पड़ता है। मैंने 10 का ही डील कर लिया, ठीक है। 10 का क्या होता है, कूलिंग टाइम कैसे निकालोगे, कूलिंग टाइम पार्ट का कूलिंग टाइम कैसे निकालोगे, इस पार्ट की मैं कूलिंग टाइम निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, इस सर्किट का, इस प्लेट का मैं कूलिंग टाइम निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो सारा चीज़ें आपको पता होना चाहिए, एक घंटे में, एक आवर में कितना लेटर वाटर फ्लो होना चाहिए, इसको कैसे निकालोगे, इस प्लेट पे, इस जो प्लेट है, जो कोर इंसर्ट है, इससे आपका हीट डिसिपेशन कितना हो रहा है, कैसे निकालोगे, ये सारा अगर कैलकुलेशन से सीधा से सीखोगे ना तो भी सही सीख पाओगे। ये सारा चीज़ें मैं क्लास में कराता हूँ, प्रैक्टिकली कराता हूँ, ये सारा चीज़ें मैं प्रैक्टिकली कराता हूँ। अगर आप जो मैं चीज़ें कराता हूँ ना, मैं मोल फ्लो कराता हूँ, किसी स्टूडेंट को मोल फ्लो भी कराता हूँ ना, तो मैं उसमें दिखा देता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है। मैनुअली निकाल रहा हूँ तो कितना डिफरेंस हो रहा है, और कैलकुलेशन से निकालता हूँ तो कितना डिफरेंस होता है, हर एक चीज़ें मैं प्रैक्टिकली कराता हूँ। तो आज का वीडियो में इतना ही है, किसी को कुछ पूछना होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। जो भी चीज़ें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। अगर किसी को क्लास वगैरह ज्वाइन करना है, नंबर मेंशन थे वहाँ पे जाकर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, इसी तरीके से क्लासेस वगैरह लेते रहता हूँ।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।